अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसको स्किप किए बग़ैर देखें क्योंकि ये आपको इतना खूबसूरत बना देगी कि आपको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 7 जूसेस बताएंगे जो आप डेली बना कर पियेंगे, इससे आपके बाल, आपकी हेल्थ, आपकी स्किन मच बेटर हो जाएंगी। इवन दैट आपके नाखून भी शाइन करने लगेंगे। इसके लिए आपने 7 दिन 7 जूस बना कर पीने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन जूसेस के इस्तेमाल से आपकी स्किन पर मौजूद हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आपकी स्किन पर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और रीग्रो भी करने लगेंगे। जी, इस रेमेडी से फ़ायदा उठाएं और कॉस्मेटिक्स और क्रीमों पर पैसा ज़ाया ना करें, क्योंकि बाज़ार से ख़रीदी हुई कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो आपकी स्किन को साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। इसमें सबसे पहले है जो आप जूस सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे वो है सेब और बीटरूट का, यानी चुकंदर का जूस। ये आपने पहले दिन इस्तेमाल करना है। आपने रूटीन बनानी है। रूटीन के मुताबिक आप इस जूसेस का इस्तेमाल करेंगे तो एक हफ्ते में ही आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरे दिन आपने इस्तेमाल करना है सेब का जूस। आप खाली सेब लेंगे, उसको जूसर में डालकर जूस निकालेंगे और आप उसको पियेंगे। इस जूस से आपके खून की कमी पूरी होगी, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरे दिन आप इस्तेमाल करेंगे एप्पल और कैरेट, यानी सेब और गाजर का जूस। आप जानते हैं हमारे जिस्म में खून की कमी को पूरा करती है गाजर, और हमें तवाना बनाती है, और हमारे चेहरे पर भी रौनक लाने के लिए गाजर बहुत ही अहम है। चौथे दिन आप पियेंगे 3 दिन के जूस मुकम्मल होने के बाद आपने चौथे दिन स्वीट लाइम का जूस इस्तेमाल करना है। अगर इसका मौसम है तो आप इसका जूस ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका मौसम थोड़े दिन के लिए रहता है। इसलिए अगर इसका मौसम चला गया है तो आप इसकी जगह ग्रेप फ्रूट का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही आपको बहुत फ़ायदा देंगे। ग्रेपफ्रूट से बहुत जल्दी खून की कमी पूरी होती है। अगर आप इसके मौसम में रोज़ाना 1 ग्रेपफ्रूट नमक लगाकर, काला नमक लगाकर खाते हैं तो इससे बहुत जल्दी आपकी खून की कमी पूरी हो जाती है और आपकी सेहत बहाल हो जाती है। आपकी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। 5वें दिन आप लेंगे ऑरेंज प्लस एप्पल, यानी माल्टे और सेब का जूस। ये आप 5वें दिन इस्तेमाल करेंगे। ऑरेंज आप जानते हैं कि विटामिन सी का ख़जाना है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारी स्किन के लिए ऑरेंज का जूस और उसके छिलके बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। 6ठे दिन आप लेंगे गाजर और बीटरूट का जूस। ये दोनों मिलकर आपके जिस्म में खून की कमी को पूरा करते हैं।
आपके बीपी को लेवल रखते हैं और आपके जिस्म को वो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं जो आपके बालों को सेहतमंद बनाते हैं। अक्सर लोगों के बाल बहुत लंबे होते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी नहीं होती। ये दोनों जूस आपके जिस्म को वो प्रोटीन देंगे जिनसे बालों की सेहत बनती है। तो सातवें दिन यानी हफ्ते के आखिरी दिन आप जो जूस लेंगे वो है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस भी आप ले सकते हैं, ये जूस थोड़ा तुर्श होता है, हर किसी को सूट नहीं करता। आप इसकी जगह मौसमी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। आप इनका इस्तेमाल बिला झिझक कर सकते हैं। एक ग्लास आपने रोज़ाना इन जूसेस का इस्तेमाल करना है। अगर आप एक ग्लास से ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर पिए। इन 7 दिनों में आप अपनी स्किन, अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखेंगे। इनसे आपके बाल चमकदार सिल्की होंगे, इनकी ग्रोथ होगी, घने होंगे, आपके स्किन पर ग्लो आएगी। जिनके गाल पिचके हुए होते हैं, जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं यानी एक्नी प्रॉब्लम है, किसी की स्किन ड्राई है, ऑयली है, जैसे भी मसाइल आपको स्किन के हैं, आपके सारे मसले इन जूसेस से हल हो जाएंगे। जब आप इन 7 जूसों को 7 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आप फिर इनको अपनी रूटीन में लाजमी शामिल करेंगे। इतना फ़ायदा आपको इन जूसेस का पहुंचने वाला है। दोस्तों से भी लाजमी शेयर करें। अल्लाह।